आइए आज के सेगमेंट पर देखिए, क्वेश्चन पर आते हैं। आज का हमारा पेपर है पहला, माई स्टन फादर टू स्कोल बी फॉर वाइट एलिफेंट। आ जाइए स्टन फादर के पास, पहले वॉकैब सेक्शन को कवर करते हैं, फिर इससे इसका आंसर फाइंड आउट करते हैं। स्टन फादर, स्टन फादर किसे कहेंगे आप? सख्त पिताजी को। स्टन फादर किसको बोलेंगे? सख्त पिताजी को। स्ट्रिक्ट है, स्टर्न है, थोड़े से जो है नहीं, जिसे कहते हैं फ्लेक्सिबल नहीं है। दूसरा क्वेश्चन है आपके पास स्कोल्ड, डांटना, डांटने को स्कोल्ड कहेंगे। बार बार आपके पास आ रहा है डांटना, डांटने को स्कोल्ड कहा जाता है। क्लासेस बहुत रिदम में चलेगी, बहुत अच्छी चलेगी, इसलिए आप वेबसाइट मत उन्हा। थर्ड पर आता है हमारा वाइट एलिफेंट। व्हाइट एलिफेंट का मतलब सफेद हाथी कभी नहीं होगा। व्हाइट एलिफेंट का मतलब यहां से बिल्कुल नहीं है कि आप सफेद हाथी से इसका कनेक्शन लें। तो देखिए आप, स्टर्न फादर सख्त पिताजी को डांटना, व्हाइट एलिफेंट फिजूल खर्ची। हो गई हमारी वोकैब पूरी। अब आज इस क्वेश्चन को ले जाइए सीधे ब्रेन में, क्या आएगा। अभी चार, अभी आंसर नहीं देखना है, हमें टू दे दिया गया और कहा गया कि आप कोई मॉडल भरिए। तो हमें पता है कि यूज्ड एक ऐसा मॉडल है जो अपने साथ टू लेना पसंद करता है। क्लियर, पहला आंसर किया करता था, मेरे सख्त पिताजी मुझे फिजूल खर्ची के लिए डांटा करते थे। वुड के साथ टू नहीं आता, वुड के साथ टू नहीं आता, यूज्ड के साथ ही टू आएगा, कैन के साथ टू नहीं आता है। यूज्ड एक ऐसा मॉडल है जिसका हिंदी मतलब होता है किया करता था। भूतकाल में किसी भी आदत को शो करना है तो कौन सा मॉडल है? यूज्ड टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, किया करता था। अब वो आदत नहीं है, मैं रिपीट कर जाऊंगा पुराने सारे हमारे टॉपिक्स को ताकि किसी का कोई नुकसान ना हो। भूतकाल में किसी भी आदत को शो करना है तो जो मॉडल आपका काम आएगा वो है यूज्ड टू। तो पहले क्वेश्चन का आंसर है आपका यूज्ड टू, ए इज द राइट आंसर, सॉरी डी इज द राइट आंसर। माई स्टर्न फादर यूज टू स्कॉल्ड बी फॉर वाइट एलिफेंट, मेरे सख्त पिताजी फिजूल खर्ची के लिए मुझे डांटा करते थे। पहला इज क्लियर, दूसरे पर आइए। सब हुलिगन्स स्टेयर एट मी एट कारफैक्स ड्यू टू दियर इल सैक्रामेंट। क्वेश्चन का पहले एक्स्ट्रा टू ले लो, आंसर बाद में लेंगे। सबसे पहले कहता है हुलिगन्स, हुलिगन्स कहते हैं बदमाश को, गुंडों को कहा जाता है हुलिगन्स। पहला वोकैब। दूसरा बहुत अच्छी वोकैब, एग्जाम में टकराएगा जरूर। पहली वोकैब हुलिगन्स, क्वेश्चन नंबर टू। पहली वोकैब हुलिगन्स, क्वेश्चन नंबर टू पर आइए। स्टेयर एट, अच्छे से देखना, STARE, स्टेयर के साथ प्रपोजिशन एट आएगा, इसको साथ ही बोलोगे आप। स्टेयर एट का मतलब होता है किसी को घूरना, किसी को टकटकी लगाकर देखना स्टेयर एट कहलाएगा, किसी को लगातार देखना स्टेयर एट कहलाएगा। स्टेयर के साथ प्रपोजिशन एट आएगा, इंपोर्टेंट कर लेना। जैसे आपने देखा होगा सड़क छाप लोग, लड़कियों को ऐसे लगातार देखते हैं, घूरते हैं, वो स्टेयर एट कहलाता है। फिर आया आपके पास कारफैक्स, कारफैक्स फिर आपके पास आ रहा है। कारफैक्स ने कहा चौराहा, प्रपोजिशन एट लेगा, ऐसे ही बोलोगे आप एट कारफैक्स, ताकि आपको प्रपोजिशन पुट करने की आदत सी पड़ जाए। चौराहे पर, क्या कहा? एफएक्स, चौराहे पर। फिर आता है इल सैक्रामेंट, ये अपन ऐसे भी काम में लेंगे कि छेड़छाड़ का प्रमुख कारण क्या है, रेप केसेस का प्रमुख कारण क्या है। रेप केसेस का प्रमुख कारण है इल सैक्रामेंट्स, बुरे संस्कार। संस्कार को ये तो परिणाम है, अच्छे संस्कार वाला तो ऐसा सोचेगा ही नहीं। चार वोकैब को तैयार करो, पहली हुलिगन्स, दूसरा स्टेरेट, तीसरा कारफैक्स, चौथा इन सैक्रामेंट्स। वोकैब तैयार होगी साहब? बिल्कुल तैयार हो गई, थोड़े दो। चार वोकैब गई आपके पास, हुलिगन्स, दूसरी स्टेयर एट, तीसरी कारफैक्स, चौथा इन सैक्रामेंट। स्टेयर के साथ प्रपोजिशन एट आएगा, किसी को लगातार टकटकी लगाकर देखना, किसी को घूरना। जैसे अंग्रेज आ जाते हैं हमारे यहाँ पर बड़ी चौपड़ पे तो लोग पागलों की तरह देखते हैं, वो स्टेयर एट।
ये वर्ड महिला से रिलेटेड किसी भी ऐसे में जाने को तैयार है, कारफैक्स चुराया, क्वेश्चन सेकंड को दिमाग में लेके जाओ, इसकी ग्रामर लेकर फिर आंसर के पास चलना है। तो क्वेश्चन सेकंड क्या कहते हैं देखिए आप, सब हुडलम्स स्टेयर एट मी एट कारफैक्स टू देयर इनसैक्रामेंट्स। तो यहाँ पर स्टेयर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, स्टेयर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और हमें यहाँ पर वुड हैव और शुड हैव तो आ ही नहीं सकता है। या हम किया करते थे, यहाँ पर आंसर आएगा सी, वुड इज द राइट आंसर। वही पहले वाला आंसर है, वुड गुड ने मुझे चौराहे पर घूरा करते थे, अब नहीं घूरते, क्योंकि एग्जाम देकर मैं ऑफिसर बन गई, मैं उसी से जाती हूँ, लेकिन मेरे पास कार है। जब मेरे पास कार है और मैं बस से आती ही नहीं, तो लोग मुझे स्टेयर एट कैसे करेंगे। सेकंड की राम कहानी सुनिए, हुलिगन्स गुड डे, स्टेयर एट घूरना, कारफैक्स चौराहे पर, इनसैक्रामेंट बुरे संस्कार, आंसर बुरी के पास जाएगा, किया करते थे। भूतकाल की आदत को रोटेशन में लेता है, यूज टू बी भूतकाल की आदत को रोटेशन में लेता है, हिंदी मतलब है किया करते थे। भूतकाल की कोई आदत यदि आपको रोटेशन पर है, आपके बचपन की आदत, आपके स्कूल की आदत, आपके कॉलेज टाइम कोई आदत, आपके गांव की कोई आदत थी, अब नहीं है, उसका कनेक्शन ही नहीं है, तो उसको फ्रेमिंग करने के लिए दो आंसर आपके पास, पहले वुड प्लस वी वन और यूज टू वी वन। जाने दो, क्वेश्चन नंबर दो को देख लीजिए आप। सम हुलिगन्स वुड स्टेयर एट मी एट कारफैक्स ड्यू टू देयर इनसैक्रामेंट्स, कुछ गुड्डे चौराहे पर मुझे घूरा करते थे उनके बुरे संस्कारों के कारण, अब नहीं घूरते, या तो गुड्डे अरेस्ट हो गए, या मेरे पास कार आ गई, या मैंने वो लोकेलिटी बदल दी, यानी वो घटना डिस्कनेक्ट हो गई। क्लियर एकदम। थर्ड पर आइए, माय माइजर फादर बी सिंगल पैनी ड्यू टू हिज माइजरनेस, माइजर फादर कंजूस पिताजी, माइजर हैं पिताजी आपके, माइजर हैं कंजूस पिताजी, माइजर एग्जेक्टिव है, ए कर देना, कंजूस को बोलेंगे माइजर। तो बोले सर माइजरनेस क्या है, मैंने आपको पहले भी बताया था, जिस वर्ड में नेस लग जाए वो नाउन होती है, कंजूसी। हिंदी में नाउन का कैसे पता चलता है, इसमें जनरली औरत का सेंस आता है, कंजूसी, लंबाई, चौड़ाई, खूबसूरती, ईमानदारी, बेईमानी, ऐसी जो ई का सेंस आता है, ये आगे बताऊंगा आपको, वो माइजरनेस, कंजूसी, कंजूस हो गया, माइजर कंजूस हो गया, माइजरनेस कंजूसी हो गई। फिर क्या करना, सिंगल पैनी, सिंगल पैनी का मतलब एक फूटी कोड़ी भी, सिंगल पैनी, पैनी कहते हैं पैसे को, सिंगल पैनी, इसीलिए कई बार गुस्से में कहते हैं दो कोड़ी का आदमी, टू पैनीज मैन, अरे तू दो कोड़ी का आदमी है, कई बार गुस्से में लड़ाई में ये वर्ड यूज होता है, तो टू पैनीज मैन कहलाएगा। सिंगल पैनी का मतलब एक फूटी कोड़ी भी दी थी पिताजी ने, वसीयत मेरे भाई को दे दी, एक फूटी कोड़ी, यानी एक पैसा भी नहीं दिया, माइजर कहलाता है कंजूस, माइजरनेस कंजूसी, सिंगल पैनी एक फूटी कोड़ी, कंजूस जो आदमी पैसे को खर्च करने की जगह भी खर्च ना करे वो आपका माइजर कहलाएगा, वो आपका निगर कहलाएगा। अब आते हैं ग्रामर सेक्शन को, क्वेश्चन को माइंड में लेके जाओ, माई माइजर फादर बी ए सिंगल पैनी ड्यू टू हिज माइजरनेस। तो यहाँ पर कुड के साथ आपको एप्लीकेशन लेनी है, मेरे पिताजी मुझे एक फूटी कोड़ी भी नहीं दे सके, कुड को वापस रोटेट करो, कुड वो मॉडल है जो आपका मजबूरी वश कोई काम नहीं किया, तो कुड प्लस वी वन आएगा। पिताजी देना तो चाहते थे लेकिन कंजूसी आड़े आ रही थी, कैसे दूं इसको, इसको अच्छी बाइक के लिए, अच्छे मोबाइल के लिए मैं पैसे नहीं दे सकता क्योंकि मैं तो कंजूस हूं। तो कुड मॉडल का यूज क्या होता है, जब भूतकाल में आप कोई काम मजबूरी वश ना कर सके तो कुड नोट के साथ वीवन आएगा, कुड नोट के साथ वर्क की फर्स्ट फॉर्म आएगी, मैं स्कूल नहीं जा सका, मैं कॉलेज अटेंड नहीं कर सका, मैं इस इंस्टीट्यूट को आज से 20 दिन पहले ज्वाइन नहीं कर सका, आपकी मजबूरी थी, आपके एग्जाम थे या कोई भी प्रॉब्लम थी, तो वो कुड नोट के साथ वर्क की फर्स्ट फॉर्म में कवर होगी। क्लियर, आंसर नंबर दीजिए आप सी, और क्वेश्चन को आगे लेके जाते हैं। आज कंजूस का खेल ही खत्म कर देते हैं, कंजूस की वॉकें भी खत्म कर देते हैं, कंजूस के आठ वर्ड ले जाइए,
बहुत काम आएगा। बोले वोकैब कैसे सुधरती है, वोकैब ऐसे सुधरती है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जाएगा, कंजूस। एमएससी करते हुए कंजूस, एमएससी करते हुए एनएसएस में भाग लेते हुए पीएम बन गया। एमएससी की उसी में एनएसएस किया और फिर पीएम बन गया, कंजूस था लेकिन। कंजूस एमएससी करते हुए एनएसएस में भाग लेते हुए पीएम बन गया। फालतू का तरीका, आड़ू तरीका, रिकलेक्टेबल तरीका। लीजिए M4 माइजर, S4 स्किन फ्लिंट, C4 क्लोज फिस्ट। इसको इंपॉर्टेंट कर लेना, इसको इंपॉर्टेंट कर लेना। N4 दीगर्ड, दीगर्ड। लोग कहते हैं वोकैब नहीं बढ़ती, क्या जोर आ रहा है, दीगर्ड। S4 स्टिंगी, S4 स्क्रूज, S4 स्क्रूज, और S4 स्क्रूज। P4 पार्सिमोनस, आ चुका है एग्जाम में, बहुत बार आएगा पार्सिमोनस। और M4 मिंगी, चमड़ी चली जाए पर दमड़ी ना जाए, ऐसा पर्सन कहलाएगा 8 वर्ड में। माइजर, स्किन फ्रीड, क्लोज फिस्ट, रीगर्ड, स्टिगी, स्क्रूज, पार्सिमोनस और मिंगी। फिस्ट इसको कहते हैं, मुट्ठी को कहते हैं, और जिसकी मुट्ठी बंद रहती हो हमेशा ही, पैसा एक ना दे किसी को, वो क्लोज फिस्ट कहलाता है। माइजर, स्किन फ्रीड, क्लोज फिस्ट, रीगर्ड, स्टिग, स्क्रूज, पार्सिमोनस और मिंगी। कंजूस को कहते हैं। पार्सिमोनस काफी एग्जाम में आ चुका है। स्किन फ्लेंट, ऐसा कंजूस आदमी, चमड़ी चली जाए पर दमड़ी ना जाए, यानी पैसा एक नहीं दूंगा, मार लो, पीट लो, कूट लो, कुछ भी कर लो। माइजर है, स्किन फ्लेंट है, क्लोज फिस्ट है, निगड़ है, स्टिंग है, स्टिंगी है, स्क्रूज, पार्सिमोनस और मिंगी। याद रखने का तरीका, एक कंजूस एमएससी करते हुए एनएसएस में भाग लेते हुए पीएम बन गया। फालतू का तरीका, 8 वर्ड एक साथ आपके खत्म। एमएससी, एनएसएस, पीएम, 8 वर्ड जा रहे हैं, 8 सिमिलर वर्ड जा रहे हैं। वोकैब को रोटेशन करने का इससे फास्ट, इससे सुपर फास्ट तरीका कोई है ही नहीं, पूरे इंडिया में नहीं है। कितनी तेज वोकैब जा रही है, वो भी ऐसे आड़ू तरीके से। माइजर, स्किन फ्लेट, क्लोज फिस्ट, दिगर्ड, स्टिंगी, स्क्रूज, पार्सिमोनस और मिंगी। आपने कहा सर इसके अपोजिट भी बता दो, अपोजिट भी ले लो। वाइफ, पति यदि कंजूस है, पति यदि कंजूस है तो पत्नी कैसी है, खर्चीली। खर्चीली, खर्चीली का जो पैसे को उड़ाए, दोनों हाथों से उड़ाए उड़ाए, वो आपका खर्चीला। पति कंजूस है तो पत्नी खर्चीली है। याद, फॉर्मूला पीलेस, पीलेस एक हीरो की कंपनी है, वो पीलेस का हार ले आई, खर्चीली पीलेस का हार लेकर आ गई, खर्चीली थी। देखो आप, पी वाला वर्ड प्रडिगल, यदि अपोजिट में आए तो इधर आ जाना। एल वाला वर्ड लेविशर, ई वाला वर्ड काफी एग्जाम ने पूछा है, आपको फिर पूछ सकता है, एक्स्ट्रा वेगेंट। एस वाला स्पेंड थ्रिफ्ट, और S4 स्क्वेड्रर। ये लो, 8 सिनोनिम, 5 अपोजिट, 13 वर्ड को एक साथ रोटेशन पे डाल दो। कंजूस के वर्ड हैं 8, खर्चीले के वर्ड हैं 5, प्रडिगल, लेविशर, एक्स्ट्रावेगेंट, स्पेंडथ्रिफ्ट, स्क्वैंड्रर। पति यदि कंजूस है तो पत्नी खर्चीली होगी। माँ बाप को कंजूस होना पड़ता है तो बच्चे खर्चीले होंगे। क्यों? क्योंकि उन्हें पैसे की वैल्यू उस समय तक पता नहीं चलती है जब तक वो कमाते नहीं है। माँ बाप को कंजूस होना पड़ेगा क्योंकि बच्चों को पढ़ाना भी है और भी रेस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा करना है, तो चाहते हुए या ना चाहते हुए वो कंजूसी करते हैं। अपने लिए एक शर्ट नहीं खरीदेंगे, साड़ी नहीं खरीदेंगे, वो आपकी शिक्षा पर पैसा लगा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनकी कंजूसी जायज है, सलाम के योग्य है, प्रेज वर्थी है, सैल्यूटेबल है। यदि वो कंजूस नहीं होगी और खुद जो है 10-10 हजार के कपड़े पहनेंगे तो आपकी शिक्षा में पैसा नहीं लगेगा। तो हम अपने माँ बाप को सैल्यूट करते हैं उनकी कंजूसी के लिए। माइजर, स्किन फ्लेट, क्लोज फिस्ट, डीगर्ड, स्टिगी, स्क्रूज, पार्सिमोनस, बिग्गी। कंजूस एमएससी करते हुए एनएसएस में भाग लेते हुए पीएम बन गया,
और खर्चीली पत्ती पीलेस का हार लेकर आ गई। हार खरीद लिया, बहुत महंगा हार था लेकिन वो खर्चीली है, 2-4 लाख का तो फर्क ही नहीं पड़ता मैडम। पर प्रेडिगल, लेविशर, एक्स्ट्रावेगेंट, स्पेंडथ्रिफ्ट, स्पेंडर, यदि सिमिलर पूछे तो 8 वर्ड में से एक आंसर, और यदि अपोजिट पूछे तो 5 वर्ड में से एक आंसर। क्लियर आज की थ्योरी, आगे चलिए। क्वेश्चन नंबर 4 पर अटैक, अटैक वर्ड यूज किया करो। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है यू डिप्सोमेनिया सून, यू हैव सफर्ड फ्रॉम फेटल डिजीज। बहुत अच्छा क्वेश्चन, थोड़ी देर इससे बातचीत करेंगे, जल्दबाजी नहीं है क्योंकि नॉलेज यदि अपडेट नहीं होगी हमें कोई फॉर्मेलिटी नहीं करनी है। नॉलेज कहते हैं, क्या कहता है पहले देखिए, डिप्सोमेनिया जिसको हम यूज करेंगे ऐसे में, वर्ड आ गया, मेनिया का मतलब होता है किसी चीज का पागलपन, डिप्सोमेनिया। डिप्सोमेनिया कहते हैं शराब की लत, जो आजकल के युवाओं में बहुत हो रही है, इंटरनेट के दुष्प्रभाव के कारण डिप्सोमेनिया बढ़ रहा है, इस सैक्रामेंट के कारण डिप्सोमेनिया बढ़ रहा है। आजकल के 12वीं में पढ़ने वाला बच्चा शराब में धुत रहता है, डिप्सोमेनिया, जो कोई अच्छी आदत नहीं है। अच्छे अच्छे फिल्म स्टार लाइक अमिताभ बच्चन एंड अक्षय कुमार, डू नॉट ड्रिंक बूज, इतने बड़े बड़े फिल्म स्टार यदि शराब नहीं पीते हैं तो एक आम इंसान को, एक स्टूडेंट को तो सवाल ही नहीं है ये चीज करने का, गलत चीज है। दूसरा वर्ड आता है सफर, सफर के साथ प्रपोजिशन फ्रॉम आएगा। ये चीजें छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन बहुत माइलस्टोन साबित होती है। सफर के साथ प्रपोजिशन फ्रॉम आएगा, किसी चीज से ग्रसित होना, जनरली बीमारी से, किसी चीज से ग्रसित होना, सफर फ्रॉम। राइटिंग सेक्शन में क्या आया, प्रपोजिशन में मार्क्स आ जाते हैं, टू आएगा कि, कोई जिंदगी में कभी लिखा नहीं ना, सबसे बड़ी चीज है कि उस चीज में प्रैक्टिस नहीं हुई आपकी। जिंदगी में प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे में नंबर लाना या प्री में नंबर लेना, जस्ट एक डक सूप में बहुत आसान काम है। डिप्सोमेनिया का शराब की लत, सफर के साथ प्रपोजिशन फ्रॉम आया, और भाई क्या देगा, बोले फैटल, फैटल यानी जानलेवा, आज इसका सिमिलर भी कर देता हूं, फैटल, फैटल का सिमिलर वर्ड लिखी लेथल, जानलेवा। यदि किसी पर जानलेवा अटैक हुआ है तो 307 लग जाएगा, 307 और 5PC, फैटल और लेथल है, जानलेवा अटेम्प्ट है, फैटल इंजरी है, डॉक्टर ने कहा इनके बचने की उम्मीद बहुत कम है, लेथल इंजरी है, फैटल इंजरी है, सफर के साथ फ्रॉम आएगा, डिप्सोमेनिया शराब की लत, कहानी को पढ़ लिया, एक्स्ट्रा पॉइंट पूरा ले लिया। अब आते हैं इसके आंसर पर, पहले दिमाग में पूरी नॉलेज को रोटेशन लो, आंसर पे तो जाना ही नहीं है। क्या चाहता है आंसर, पहले आंसर से बात करते हैं, आंसर आपसे क्या चाहता है। यू ब्लैंक स्पेस, दो चीजें करनी है, पहला कहता है मॉडल भरो, दूसरा कहता है फ्रेजल वर्ब भरो, दोनों ही इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन आपसे दो आंसर चाहता है, पहला कहता है टेंस, दूसरा कहता है फ्रेजल वर्ब। तो त्यागने की जो फ्रेजल वर्ब होती है वो गिव अप, गिव अप यानी छोड़ना, गिव अप यानी त्यागना, गिव अप यानी किसी चीज का त्याग कर देना। आप झूठ बोलने का कर सकते हैं, आप आलस्य का कर सकते हैं, गिव अप करना पड़ेगा। तो फ्रेजल वर्ब गिव अप आई, वो सॉरी टेंस नहीं, मॉडल क्या चाहता है आपसे, मॉडल चाहता है भैया ऐसा मॉडल बोलो जिसमें राय हो, जिसमें सजेशन हो, जिसमें आप किसी को एडवाइस कर रहे हो, तो मॉडल क्या आएगा, शुड आएगा। कहानी खत्म, अब आंसर के पास चलते हैं। शुड हमारा मॉडल हो गया, फ्रेजल वर्ब हमारी गिव अप हो गई, इससे आंसर क्या आ गया, ए आ गया। आंसर लेके ऑप्शन के पास जाना है, डायरेक्ट मत जाना, ये आर्ट्स डेवलप करना सीख लो, ये आर्ट सभी सेक्शन में काम आएगी, सभी सब्जेक्ट में काम आएगी। पहले उसका आंसर तैयार करो, फिर ऑप्शन के पास जाओ। यदि डायरेक्ट ऑप्शन के पास चले गए वो आपको कंफ्यूजन में डाल देगा, वो तो लास्ट ऑप्शन है, जब हमारा वो नॉलेज आ ही नहीं रही हमको, तो फिर तो है ही, फिर तो क्या उपाय है। यदि आपको पता है कि इस लॉक की यही चाबी है, आपको 1 सेकेंड लगेगा, और 10 चाबियां हैं और फिर आप उसमें अप्लाई कर रहे हो, तो हो सकता है कि 10 मिनट लग गए और फिर ताला खुले, तो आपकी एनर्जी और आपका टाइम कितना बर्बाद हुआ, और वो जो आंसर आया वो विदाउट कॉन्फिडेंस आया, वो जो लॉक खुला विदाउट कॉन्फिडेंस खुला, और जो पहले बार आपने लगाया वो आपका कॉन्फिडेंस के साथ खुला। ये फर्क होता है, वाइब्स का फर्क होता है। क्लियर, यू शुड गिव अप डिप्सोमेनिया सून, आपको जल्दी शराब की लत का त्याग कर देना चाहिए। You have suffered from fatal disease. आप जानलेवा बीमारी से ग्रसित हो चुके हैं। A is the right answer. Modal should आएगा और phrasal verb give up आएगी। Clear, चलिए आगे। Next आइए।
इफ राउडी स्टूडेंट वेक्स्ड यू, यू एक्सपेल्ड देम फ्रॉम क्लास। सबसे पहले राउडी स्टूडेंट से बात करिए, क्या चाहता है क्वेश्चन की। एक्स्ट्रा नॉलेज जब तक नहीं आएगी मजा आएगा उसको आंसर देने में। राउडी स्टूडेंट आप कर चुके हैं बदमाश, जो बारहवीं के छात्र होते हैं वो राउडी होते हैं, पांचवी के छात्र प्रैंकिश होते हैं, अलग अलग है, वो थोड़ा सा ऊपर लेवल की बदमाशी करते हैं, उदंडी बदमाश, वैसे बदमाश शरारत करने वाले, कहीं जाके वो टीचर को परेशान कर दिया, थोड़े से फायर क्रैकर लगा दिए स्कूल। सभी राउडी होते हैं, होना भी चाहिए क्योंकि लाइफ का पार्ट है, ऐसा नहीं है कि वहां पर बाबा जी रहना है। फिर आता है वैक्स, वैक्स से आप पहले मिल चुके हैं, आज तीसरी चौथी बार मिल रहे हैं। वैक्स परेशान करना, परेशान करना वैक्स कहलाएगा। डब्ल्यू ए एक्स मॉब कहलाएगा, इसको भी मैं यूज करूंगा किसी ऐसे में कि एक गुरु और शिष्य का जो संबंध होता है मॉब और उसकी बत्ती जैसा होता है, एक गुरु और शिष्य का संबंध वैक्स और विक के जैसा होता है। विक का मतलब बत्ती, ये दोनों मिलते हैं तो दुनिया को प्रकाशमान करते हैं, ये दोनों मिलते हैं तो दुनिया को उजाला देते हैं। गुरु के बिना शिष्य का अस्तित्व अधूरा है, शिष्य के बिना गुरु का अस्तित्व अधूरा है, वैक्स के बिना विक अधूरी है, विक के बिना वैक्स अधूरा है, दोनों आपस में फ्रेगमेंटेड हैं, दोनों को मिलने पर ही प्रकाश डेवलप होगा, दुनिया जो है प्रकाशमान होगी, अंधेरा दूर जाएगा, लेकिन वैक्स और विक के मिलने से कॉम्बिनेशन होगा। हर द्रोणाचार्य को अर्जुन चाहिए, हर अर्जुन को द्रोणाचार्य चाहिए, हर चंद्रगुप्त को चाणक्य चाहिए, हर चाणक्य को चंद्रगुप्त चाहिए। ये समय का सच है, सफलता का सच है, ये संघर्ष का सच है। तो वैक्स प्रोनाउंसिएशन सेम, स्पेलिंग डिफरेंट, अर्थ डिफरेंट। आगे चलो, वैक्स आ गया, फिर बोले सर कौन सा वर्ड आया। आगे चलो, एक्सपेल, एक्सपेल का मतलब निकाल देना क्लास से, फैक्ट्री से निकाल दिया साहब, एक्सपेल निकालना, एक्सपेल का मतलब निकालना, कक्षा से निकाल दिया, किसी फैक्ट्री से निकाल दिया कि भैया जा बाहर जा, तो फैक्ट्री से निकाल दिया, कक्षा से निकाल दिया, समाज से निकालने के लिए आपने कल ऑस्ट्रेसाइज किया था, समाज से निकालने के लिए आपने ऑस्ट्रेसाइज किया था, पानी से निकालने के लिए आपने फिश आउट किया था कि पानी में आपकी अंगूठी गिर गई, आपका मोबाइल गिर गया तो फिश आउट आया था, पानी से निकालने के लिए फिश आउट आया था, समाज से निकालने के लिए ऑस्ट्रेसाइज आया है, क्लास से निकाल दिया, भैया बदमाशी कर रहे हो जाओ क्लास से बाहर, हमें भी निकाला गया होगा कभी स्कूल टाइम में, एक्सपेल कर दिया, चलो बाहर जाके धूप में हाथ खड़े कर लो, एक्सपेल है। आपका साबुन, आपकी अंगूठी, आपका मोबाइल पानी में गिर गया, उसको निकालेंगे, फिश आउट करेंगे, इसका फिश से कोई लेना देना नहीं है। फिर आइए क्वेश्चन पर, इफ से कंडीशन शुरू होती है, हो गई साहब, इफ से कंडीशन शुरू होती है, पहले वाक्य में भी वी थ्री है, दूसरे वाक्य में भी वी थ्री है, तो इसकी कौन सी कंडीशन है जो दोनों वाक्यों में वर्ब की थर्ड फॉर्म को यूज करती है। बोले सर इम्प्रोबेबल, पूरी शर्त, आराम से उस नॉलेज को इतना ज्यादा एक्सपर्ट कर दो कि वो नॉलेज आपको टिप्स पर नाचने लगे। तो इफ की इस वाक्य में पहले में वी थ्री है, दूसरे में वी थ्री है, नाम है इसका इम्प्रोबेबल, तो इफ की ये कंडीशन क्या कहती है, पहले भाग में हैड प्लस वी थ्री आएगा और दूसरे पार्ट में वुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। कहानी खत्म। पहले वाक्य में हैड प्लस वी थ्री आएगा, दूसरे वाक्य में वुड हैव प्लस वी थ्री आएगा, आंसर फाइंड आउट करो क्या आंसर आएगा, ए इज द राइट आंसर। नॉलेज को खंगाल के जाना है सतही तौर पर, नहीं कौन सा होगा, अरे आप क्यों चिंता करते हो, वो देगा ना आपको तो आंसर। सिक्स पर आओ, इफ ही ब्लैंक स्पेस एन एक्रोबैट, ही शो इज एक्रोबैटिक फीट्स। आर्मी वाले लोगों को याद कर लो, सर्कस में चलो थोड़ी देर के लिए, सर्कस में चलते हैं थोड़ी देर के लिए, आर्मी लोगों को देखते हैं, एक्रोबैट, एक्रोबैट का मतलब होगा कलाबाज, जो सर्कस में दिखाता है, एक्रोबैट कहलाता है कलाबाज, आर्मी में दिखाता है, एयरफोर्स वाले दिखाते हैं, आग के गोले में से जा रहा है, प्लेन को उल्टा कर रहा है, वो एक्रोबैट है। तो एक्रोबैटिक फीट्स क्या कहलाएगा, एक्रोबैटिक कर दिया, इसको एडजेक्टिव बना दिया, एक्रोबैटिक फीट्स क्या कहलाएगा,
कलाबाजी की हरकतें, कलाबाजी की, कलाबाजी के करतब, नोट हरकतें, करतब, वो जो आग के गोले में से जाता है या अपने प्लेन को उल्टा कर देता है या खतरा मोल लेता है या मौत के कुएं में वो घुमाता है या वो सर्कस में वो जो ऊपर झूला झूलते हैं बहुत खतरनाक, वो क्या कहलाएगा? एक्रोबैटिक फीट्स, एक्रोबैट कलाबाज, एक्रोबैटिक फीट्स, कलाबाजी के करतब। जैसे रोड पर आपने नट को देखा होगा, नट रस्सी पे चलता है ऊपर से नीचे तक, बहुत ऊपर तक, एक बच्ची भी चलती के बारे में, बच्ची को भी देखता हूं मैं, वो नट एक्रोबैट कहलाएगा क्योंकि बहुत खतरनाक रिस्क की काम करता है वो, और उसकी हरकतें क्या कहलाएगी, उसके करतब क्या कहलाएंगे? एक्रोबैटिक फीट्स। आइए क्वेश्चन पर आते हैं। If he an acrobatic, he shows acrobatic feats, आंसर पे मत जाना। If से वाक्य शुरू होता है, हो गया। पहले भाग में ऑब्जेक्ट है, आपका वर्ब नहीं है, तो आपकी इफ की इम्पोसिबल कंडीशन फॉलो होगी। पहले में वर आएगा, सेकंड में जब यहाँ वर आ गया तो इस पार्ट में या तो वुड या कुड के साथ क्या आना चाहिए? वी वन आना चाहिए। ये तो आंसर होगा ना, या तो वर आ गया, वुड और कुड, हो गया आंसर तैयार माइंड में। अब आंखें खोलो, आंखें खोल के आंसर देखो। पहले में वर और दूसरे में वुड, ए भी है, इज द राइट आंसर। क्वेश्चन माइंड में, आंसर माइंड में तैयार होने के बाद आप आंखें खोलोगे तब आपको बहुत अच्छा लगेगा, यही आंसर है, इसके अलावा कोई आंसर नहीं है। क्लियर छठा? सेवंथ पर आइए। इफ योर ऑर्थोडॉक्स ब्रदर, ही विल मार हिज करियर। ऑर्थोडॉक्स ब्रदर, पहले वोकैब, ऑर्थोडॉक्स, ऑर्थोडॉक्स का मतलब होगा रूढ़िवादी, ऑर्थोडॉक्स का मतलब होगा रूढ़िवादी, संकीर्ण मानसिकता का, ओछी मानसिकता का, बिल्ली रास्ता काट गई मैं आज नहीं जाऊंगा, ऑर्थोडॉक्स है। आज शनिवार है, लोहा, नमक, चीनी नहीं है, वो क्या बोलते, ऑयल नहीं खरीदेंगे, ऑर्थोडॉक्स मेंटेलिटी पहला। दूसरा क्या कहता है? मार हिज करियर, करियर को यदि आप बिगाड़ोगे तो वर्ड आएगा मार, करियर को बिगाड़ना, मार आएगा, मार यानी बिगाड़ना, करियर के साथ आएगा। मैंने पहले भी कहा था करियर बनाओगे तो मार आएगा, करियर बनाओगे तो कार्व आएगा। करियर आप बनाने के लिए आप बैठे हैं तो कार्व है, करियर बिगाड़ या रहा है कोई क्लास को एब्सेंट करके या रेगुलर अपना कोर्स नहीं करके, तो अपने करियर को मार कर रहा है। बहुत अच्छा वर्ड है, ये वर्ड ऐसे में रोटेशन पर आएगा। जैसे कम पढ़े लिखे नेता या गुंडे टाइप के नेता डेमोक्रेसी को क्या कर रहे हैं? मार कर रहे हैं, बिगाड़ ही रहे हैं। विधानसभा में बैठ गए, बोलने का सलीका नहीं है, एमपी बन गए, एमएलए बन गए, तो क्या कर रहे हैं? प्रजातंत्र को मार कर। आज हमारे गुंडे मावाली टाइप के लोग हमारे देश की छवि को क्या कर रहे हैं? मार कर रहे हैं। कोई अंग्रेज आए, उसको लूट लिया, मार कर दिया ना, उस लेडी अंग्रेज को छेड़ दिया, हमारी छवि को क्या कर दिया? मार कर दिया। वर्ड का रोटेशन कहाँ लोगे ये माइंड में प्रिंट करो, कहाँ जाना है इसको, वो वाली काम है। फिर कहलाता है क्या? आ गया साहब, बोले सर ये भी इफ की कंडीशन से शुरू होती है, इफ की कंडीशन से शुरू होती है, तो सर क्या आएगा? पहले में दूसरे में विल आ रहा है, दूसरे में विल आ रहा है, तो इफ के साथ क्या आएगा? बी वन और बी फाइव, इफ की पॉसिबल कंडीशन फॉलो होगी, बी वन और बी फाइव आना चाहिए, क्योंकि कौन सी कंडीशन से क्वेश्चन आया? पॉसिबल कंडीशन से आया। पॉसिबल कंडीशन आपसे क्या कहती है? इफ के बाद प्रेजेंट टेंस आएगा, इफ के बाद क्या आएगा? प्रेजेंट टेंस आएगा, और प्रेजेंट टेंस में दो वर्ब है आपके पास, कौन कौन सी? एक बी वन, एक बी फाइव। बी वन आएगी यू वी दे आई के साथ, और ही शी इट के साथ बी फाइव आएगा। हो गया तैयार? तो यहाँ पर विल आ गया, तो पहले भी क्या आना चाहिए? बी वन और बी फाइव। क्लियर? देखो, इफ योर ऑर्थोडॉक्स ब्रदर, ऑर्थोडॉक्स ब्रदर सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ क्या आएगा? बी फाइव आएगा, बी फाइव आएगा, तो क्या आंसर आएगा? यहाँ पर बड़े प्यार से रिलाइज आएगा। रिलाइज उनका मतलब होगा भरोसा करना, भरोसा करने को कहते हैं रिलाइज ऑन। तो एक एक तो आपकी फ्रेजल वर्ब तैयार हो गई, एक आपके इफ की कंडीशन तैयार हो गई, एक आपका टेंस तैयार हो गया, तीन चीजों का रोटेशन हो गया बैठे बैठे। आप नॉलेज को किस वे में लेकर आते हैं, यही आपका आर्ट है।
किताबों में लिखवा दिया, कॉपी में लिखवा दिया, एकदम वर्थलेस सिस्टम है, माइंड में लिखवा दिया, यही विजय की पहली सीढ़ी है, यही सफलता की पहली सीढ़ी है। किताब में, किताब से कॉपी में लिखवा दिया, क्या एहसान कर दिया, वो तो आप भी लिख लो। ठीक है, गुरुजी को थोड़ा ज्यादा अच्छा आता है तो सर ने थोड़ा अच्छा लिखवा रहे हैं, बाकी क्या फायदा हुआ, बेनिफिट बताओ। सीधा आपका किताब से कॉपी में लिखवा दिया, इसका कोई मुझे बेनिफिट समझा दे कि ये बेनिफिट हुआ, कोई बात नहीं। माइंड में लिखने की आर्ट तो आ रही है ना, आर्ट तो आ रही है ना, तो देखिए आप, आपने रियलाइज क्यों किया, क्योंकि ऑर्थोडॉक्स ब्रदर है वो सिंगुलर है। तो टेंस का भी रोटेशन कर लो कि यदि प्रेजेंट टेंस में हमारे पास सिंगुलर सब्जेक्ट है, ही शी इट और एनी सिंगुलर है तो वी फाइव आएगा, और यू वी दे एनी सिंगुलर कोई काम करता है तो वी वन आएगा। फ्रेजल वर्ब रिलाय ऑन, भरोसा करना, इसीलिए धीरूभाई अंबानी का ग्रुप रिलायंस है, उसका मतलब है भरोसा। धीरूभाई अंबानी का जो ग्रुप है, जो अनिल अंबानी और मुकेश अंबानी चला रहा है, रिलायंस का मतलब भी भरोसा। चलो आगे, आंसर दिया आपने ए, क्यों दिया, इसकी पॉसिबल कंडीशन को फॉलो करते हुए। तीनों कंडीशंस आ गई, तीनों क्वींस आ गई। आइए नाइन, बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत कुछ सिखा कर जाएगा आपको, बहुत कुछ। डेथ एट एवरीवन डोर, दिस इज इटरनल ट्रूथ ऑफ लाइफ। एक कौन सा रह गया, हाँ सेवंथ आ गया ना, एट्थ नहीं है, एट्थ कौन सा क्वेश्चन है, ये मेरे में नहीं है, पता नहीं कैसे गया हुआ। एट्थ कहता है, ब्यूटिलेटेड कॉर्प्स रिसरेक्टेड नियर बैंक ऑफ डिगी रिवर टू डू फर्दर प्रॉब। यहां पर जो है ब्यूटिलेटेड कॉर्प्स रिसरेक्टेड डिगी रिवर टू डू फर्दर प्रॉब। ब्यूटिलेटेड आप कर चुके हैं, ब्यूटिलेटेड आप कर चुके हैं, ब्यूटिलेटेड का मतलब होता है टुकड़े टुकड़े, ब्यूटिलेटेड कॉर्प्स, टुकड़े टुकड़े लाश, मतलब ये वर्ड इतनी बार रोटेट हो गए, इतनी बार रोटेट हो गए कि ऑटोमेटिक आपके ब्लड का पार्ट बन जाएंगे। दूसरा रिसरेक्ट, 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 जमीन खोद कर निकालना, जमीन खोद कर निकालना, आलू हो सकता है, प्याज हो सकते हैं, मूंगफली हो सकती है, जो भी जमीन में उगती है, लाश हो सकती है, खजाना हो सकता है। रिसरेक्ट, जमीन खोद कर निकालना, कहां से निकाला, डिंगी रिवर, बहुत गंदी नदी है, डिंगी का मतलब गंदा, वर्ड हर जगह काम आने वाला है, लेकिन लोग दोस्ती नहीं करना चाहते। विदाउट वोकैब यदि कोई ऐसे लिखकर दिखा सकता है तो भैया दिखा के रख दे, विदाउट वोकैब कंटेंट ही नहीं आएगा, विदाउट कंटेंट लिखोगे क्या आप। हिंदी में भी आपको शानदार वोकैब चाहिए, हिंदी की वोकैब भी शानदार। फर्दर का मतलब आगे की, ये हमारी ग्रामर में आएगा, इसको एग्जेक्टिव में पढ़ेंगे। फर्दर ब्यूटिलेटेड कॉर्प्स टुकड़े टुकड़े लाश, डीकम्पोज कॉर्प्स सड़ी गली लाश, रिसरेक्ट जमीन खोद कर निकालना, डिंगी गंदा नाला हो सकता है, कपड़े हो सकते हैं, कोई बस्ती हो सकती है, गंदा गंदी कुछ भी, डर्टी आपको आता है, डर्टी के पास मैं जाऊंगा ही नहीं। फर्दर आगे की, आपको वोकैब दे गया, आपको क्या दे गया, वोकैब दे गया। अभी आपसे अपना आंसर चाहता है कि भैया आंसर दे दो, तो आंसर क्या कह रहा है देखो आप, ये कह रहा है ब्यूटिलेटेड कॉर्प्स रिसरेक्टेड नियर बैंक ऑफ डिग्री रिवर टू डू फर्दर प्रॉब। तो सेंटेंस कहता है मुझे आंसर चाहिए पैसिव वॉइस का, आंसर चाहिए मुझे पैसिव वॉइस का, तो तीन आपकी एक्टिव हैं, तो यहां पर आएगा विल हैव बीन, एक विल हैव बीन है जो पैसिव का आंसर है, इसलिए हमारा आंसर होगा विल हैव बीन, विल हैव बीन आपका आंसर होगा, क्योंकि पैसिव में जाना है, बी इज द राइट आंसर, बाकी सब एक्टिव है। अर्थ क्या हुआ, एक टुकड़े टुकड़े लाश को गंदी नदी के किनारे से जमीन खोदकर निकाला जा चुका होगा, निकाला जा चुका होगा आगे की जांच करने के लिए, तो सेंटेंस पैसिव वॉइस में जाने के कारण विल हैव बीन को कॉल कर रहा है। नाइन्थ पर आइए, पक्का क्वेश्चन बना जाएगा। नाइन्थ, डेथ एट एवरीवन डोर, दिस इटरनल ट्रूथ ऑफ लाइफ। इटरनल आप कर चुके हैं, पहले इटरनल से दोस्ती कर लो, इटरनल शाश्वत, धरती में सूरज और चांद शाश्वत हैं, इटरनल हैं, जिसका एक पेपर में अपन ने आंसर दिया था एवरलास्टिंग, एक पेपर में अपन ने आंसर दिया था एवरलास्टिंग, शाश्वत, चिरस्थाई, परमानेंट, इटरनल यानी शाश्वत,
धरती पे सूरज और चांद इटर्नल हैं, शाश्वत हैं, एवरलास्टिंग हैं। फिर बोले सर आइए कहानी पर। यहाँ पर दो चीज पूछ रहा है वो, पहला कहता है कि यहाँ पर टेंस कौन सा आएगा, और दूसरा आपसे कह रहा है कि क्या लाइफ से पहले आर्टिकल आएगा क्या। दूसरे में आर्टिकल पूछ रहा है, पहले में टेंस पूछ रहा है। बड़े आराम से, बहुत आराम से। लाइफ और डेथ से पहले कभी आर्टिकल नहीं आएगा, लाइफ और डेथ से पहले कभी आर्टिकल नहीं आएगा, जीरो आर्टिकल। और दिया गया सेंटेंस आपका शाश्वत सत्य है, यूनिवर्सल ट्रुथ है। मृत्यु हर इंसान के दरवाजे को एक ना एक दिन खटखटाती जरूर है, इसलिए आपको पता है शाश्वत सत्य, यूनिवर्सल ट्रुथ, सार्वभौमिक सत्य किसमें लिखे जाते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनेट में। तो यहाँ पर नॉक्स आएगा खटखटाना। बहुत प्यारा क्वेश्चन। लाइफ और डेथ से पहले कोई आर्टिकल नहीं आता, जीरो आर्टिकल आएगा। यहाँ पर नॉक्स क्यों आया, क्योंकि दिया गया सेंटेंस आपका प्रेजेंट इंडेफिनेट है, वहां पर V1 और V5 आएगा, इसलिए यहाँ पर नॉक्स आएगा। लाइफ और डेथ से पहले कभी कोई आर्टिकल नहीं आता है। इससे पहले वाले वर्ड बताइए जो आपका आर्टिकल नहीं लेते। डेथ आ गया, लाइफ आ गया, यहाँ पर इसका फॉर्मूला आएगा जो आर्टिकल नहीं लेते। यहाँ पर जीरो आर्टिकल लेगा लाइफ, डेथ लेगा जीरो आर्टिकल। कल फ्रेज आई थी सेट ऑन फायर, वो भी आर्टिकल नहीं लेती। मतलब अपने दिमाग के घोड़ों को इतनी तेज दौड़ाओ कि आपके दिमाग के अश्वमेघ घोड़े को कोई पकड़ने की ताकत ही ना रख सके, ना पेपर और ना कोई पर्सन। फिर माइंड में कर लेना, ना तो पेपर आपको पकड़ पाए, ना कोई पर्सन आपको पकड़ पाए। इतना शार्प घोड़े दौड़ाने हैं आपको, सफलता यदि हाई लेवल पे ले जाके टच करनी है, और बहुत इजी वर्क है, कोई टफ वर्क नहीं है। टफ इसको बना रखा है एक तो इम्पार्टिंग सिस्टम ने, एक हमारे ये दिमाग के वाइब्स ने। ये तो टफ है, टफ क्या है बताइए आप। बाय द नेक्स्ट ईयर द गवर्नमेंट अब्जीबल पॉवर्टी। अब्जीबल पॉवर्टी, ये जो वर्ड आ रहा है गरीबी के साथ ही आता है। प्रोनाउंसिएशन होगा अब्जीबल, प्रोनाउंसिएशन होगा अब्जीबल। अब्जीबल का मतलब होगा पॉवर्टी के साथ ही जोड़ेंगे अपन, तो इसकी एप्लीकेशन भी लिख देते हैं। अब्जीबल पॉवर्टी का मतलब होगा अथाह गरीबी। अथाह गरीबी को बोलेंगे अब्जीबल पॉवर्टी। अब्जीबल या पॉवर्टी के या गवर्नमेंट की जो क्या बोलते हैं पॉलिसीज आएगी उनमें कहीं पर भी यूज करेंगे। फिर क्या कहता है क्वेश्चन आपसे, क्या चाहता है क्वेश्चन आपसे? एक तो फ्रेजल वर्ब चाहता है कि फ्रेजल वर्ब क्या है, गरीबी मिटाने के लिए, जड़ सहित उखाड़ने के लिए। बोले विल हैव, सॉरी वाइप आउट आएगा। वाइप आउट जड़ सहित मिटा देना, जड़ सहित मिटाना। वाइप आउट जड़ सहित मिटाना, जड़ सहित खत्म कर देना। फ्रेजल वर्ब बार बार याद हो रही है। देखो बाहर क्या हो रही है, बहुत तेज बारिश हो रही है, ठीक है ना। आप एक चम्मच लेकर गए, कितना पानी लेकर आएंगे? एक चम्मच। आप बाल्टी लेकर गए, कितना पानी लेकर आएंगे? थाली याद गया, वो क्या लेकर आएगा? भीगे हुए कपड़े, और जो गया ही नहीं वो सूखे कपड़े। बात समझ में आ गई ना? बस वाइप आउट जड़ सहित उखाड़ना। कोई आंसर पर आइए। अब ये बारिश तो भयानक हो रही है, अब आप क्या चाहते हो कि एक चम्मच लेकर आए, जाए नहीं गीले कपड़े लेकर आए, या टैंकर भर के आए, वो आप पर है। तो यहां पर कहानी शुरू होती है बाय द नेक्स्ट ईयर। बाय द नेक्स्ट ईयर ये आपको आंसर देगा। बाय द नेक्स्ट मंथ, बाय द नेक्स्ट ईयर, बाय द नेक्स्ट वीक। कौन से रूप में जाएंगे, कौन से रूप में जाएंगे? 11, रूप नंबर 11, फ्यूचर परफेक्ट। संभावना में किसी काम का एंड करेंगे, संभावना में किसी काम का एंड करेंगे। तो विल हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, विल हैव वाइप्ड आउट, मिटा चुके होंगे। अगले साल तक सरकार गरीबी को मिटा चुकी होगी। विल हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। सभी सुन लीजिए, बाय द नेक्स्ट ईयर, बाय द नेक्स्ट मंथ इत्यादि यदि आपके वाक्य में आ जाए तो कौन सा टेंस आएगा? फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट कौन से रूप में रहता है? रूप नंबर 11 में। उसका क्या फ्रेमिंग है? विल हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। रोटेशन यहां से लेना है, किताब से रोटेशन कभी नहीं, बुक से रोटेशन कभी नहीं।
ये तो सिर्फ लिखने के लिए, स्पीड बढ़ाने के लिए, और कुछ नहीं इसका यूज, ये तो सिर्फ स्पीड बनाने के लिए। तो देखिए आप क्या कहता है, ये आपने आंसर विल हैव दिया और वाई डू हैव किया और आ गया ये। आज आपके ग्रामर सेक्शन के सारे क्वेश्चन घुमा रहा हूं मैं, और कोई भी चिंता मत करना कि आज मैं लेट आए हैं या ये आए हैं, इस चीज की चिंता मत करना आप। क्यों? क्योंकि इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला हमें। तो देखिए क्या कहता है हमारा आंसर आज का, देखिए आप क्वेश्चन नंबर जा रहे हैं किसकी तरफ, क्वेश्चन नंबर जा रहा है आपका 11 की तरफ। ही सिग्निफिकेंट मीटिंग टुमारो, अच्छा क्वेश्चन, सिग्निफिकेंट मीटिंग, क्या बोलोगे? सिग्निफिकेंट मीटिंग को क्या कहा था आपने? सिग्निफिकेंट मीटिंग। तो यहां पर आप जो है ही के साथ V5 का यूज करेंगे, कास ऑफ इज द राइट आंसर। 12th पर आइए, ही ब्लैंक स्पेस वाइल आई वाज क्राइंग बिटरली, दो फ्रेज देकर जा रहा है आपको। आपको पहला कहता है क्राई बिटरली, क्राई बिटरली का मतलब होता है फूट फूट कर रोना, क्राई बिटरली का मतलब है फूट फूट कर रोना, यानी बहुत ज्यादा क्रंदन करना, फूट फूट कर रोना, बहुत ज्यादा क्रंदन करना, फूट फूट कर रोने को क्या बोलेंगे? क्राई बिटरली। किसी के मकान में आग लग गई, सडनली किसी के कोई सडन डिमाइज हो गई, फूट फूट कर रोना, क्राई बिटरली। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट क्या कहता है आपसे? बीट ब्लैक एंड ब्लू, बीट ब्लैक एंड ब्लू, बुरी तरह पिटाई करना, इतना मारा कि शरीर में काले और नीले धब्बे हो गए, बीट ब्लैक एंड ब्लू, बुरी तरह मारना, मर्सीलेस होकर मारना, बुरी तरह मारना। जब कोई चोरी करता है तो आपका बीट ब्लैक एंड ब्लू हो जाता है। क्राई बिटरली, फूट फूट कर रोना, बहुत ज्यादा क्रंदन करना, बहुत ज्यादा विलाप करना। अब आ जाइए कहानी कहाँ जा रही है, कहानी पे देखिए बड़े प्यार से, वाइल को देखिए, वाइल, वाइल क्या कहता है? मेरे लेफ्ट में भी रूम नंबर 6 आता है, मेरे राइट में भी रूम नंबर 6 आता है, यानी मेरे लेफ्ट में भी जो सेंटेंस होगा वो वाजवर प्लस V4 का होगा, मेरे राइट में भी जो सेंटेंस होगा वो वाजवर V4 का होगा। ये बात तो तय है, सामान्यतया 99%, हो सकता है 1% में 5 भी आ जाए, कोई खास बात नहीं है। तो बड़े प्यार से आपने वाइल को देखा, वाइल के लेफ्ट में 6 है, वाइल के सॉरी राइट में 6 है, लेफ्ट वाला सेंटेंस ढूंढते हैं कि लेफ्ट वाला क्या आना चाहिए। तो लेफ्ट में क्या आएगा? ए आंसर, ही वाज बीटिंग मी ब्लैक एंड ब्लू व्हाइल आई वाज क्राइंग बिटरली, वो मेरे को मेरी बुरी तरह पिटाई कर रहा था जबकि जबकि मैं फूट फूट के रो रहा था। ए इज द राइट आंसर। वाइल की ग्रामर जाती है रूम नंबर 6 में, लेफ्ट में। वाइल कहता है मेरे साथ दोनों जो सेंटेंसेस हैं वो पास्ट कंटिन्यूअस के होने चाहिए, ज्यादातर 99%, यानी रूम नंबर 6 में पास्ट कंटिन्यूअस रहता है, वाजवर V4। तो वाइल क्या कहता है कि मेरे साथ दो सेंटेंसेस होंगे, एक सेंटेंस जो होगा वो वाजवर V4 में है, तो दूसरा सेंटेंस भी वाजवर V4 में ही होना चाहिए। हाँ, कभी कभी क्वेश्चन पेपर या पेपर सेटर मेरे को पास्ट इंडेफिनेट में भी ले जाना चाहता है तो मैं चला जाता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन 99% मेरा रूम 6 ही है। मेरे लेफ्ट में भी वाजवर V4 आएगा, मेरे राइट में भी वाजवर V4 आएगा। तो वह मेरी बुरी तरह पिटाई कर रहा था, मुझे बेरहमी से मार रहा था जबकि जबकि मैं फूट फूट कर रो रहा था। तो क्वेश्चन ये चला गया आपका 10 से कवर हुआ, और 6 और 6 को रोटेशन देता हुआ आंसर ए दिया आपको और आगे बढ़ गया। He police station on fire and on his 2 hours ago, बहुत अच्छा क्वेश्चन, कल वाली कहानी फिर रोटेशन पर, set on fire, आग लगाना, set on fire, आग लगाना, पुलिस स्टेशन को, बसों को आग लगाना, क्या कहती है फ्रेज? यहाँ पर आर्टिकल नहीं आएगा, जीरो आर्टिकल। नॉलेज को जितना घुमाओगे ना, जितनी बार आपको नींद में भी कोई नॉलेज पूछ लेगा तो आप उसका आंसर बता दोगे। हमारे यहाँ पर क्या एक दिमाग में फितरत बना रखी है, कॉपी में लिखेंगे आज तो समझना ही नहीं है,
आज तो कसम उठा रखी कि आज तो दिमाग में डालना ही नहीं है, आज तो सिर्फ इतना सा काम है, कॉपी भी लिखेगी, बोले दिमाग में कब डालोगे, एग्जाम से पहले कोई गारंटी नहीं है वो डले ना डले, कोई जरूरी नहीं है, आज ही डाल दो ना, क्यों आज सुबह एग्जाम है, ये मान के चलो कल सुबह एग्जाम, आप ये मान के चलो ये मिस करो कल सुबह एग्जाम है, वो वाली बात है। सेट ऑन फायर, आग लगाना, सेट ऑन फायर कहती है जीरो आर्टिकल, बहुत अच्छी बात। फिर दूसरा कहता है दूसरी फ्रेज भरवाओ साहब, दो फ्रेजेस भरवा रहे हो आप यहाँ पर, भरवाते हैं। टेक ऑन हिल्स, टेक ऑन हिल्स, क्या अर्थ बताया था मैंने इसका, टेक ऑन हिल्स, 9-2-11 होना, रफू चक्कर होना, 9-2-11 होना, चूहा बिल्ली को देखकर टेक ऑन हिल्स करेगा, टेक ऑन हिल्स 9-2-11 होना। अभी कोई बोल दे शेर आ गया वहां पर, अपन सब टेक ऑन हिल्स करेंगे नहीं करेंगे, 9-2-11 होना, टेक ऑन हिल्स आ गया साहब, दो फ्रेजेस का आंसर दे दिया। अब चलो इसके आंसर के पास, आंसर के पास जाने के लिए हमको किससे बात करनी पड़ेगी, एगो से। आंसर से जाने के लिए हमें किससे बात करनी पड़ेगी, एगो से। यदि वाक्य में एगो आ गया तो रूम नंबर 5 में जाना पड़ेगा, रूम नंबर 5 में कौन मिलेगा, पास्ट डेफिनेट, रूम नंबर 5 में कौन मिलेगा, पास्ट डेफिनेट, कौन रहता है वहां पर, वर्ब की सेकंड फॉर्म, कहानी खत्म। यदि वाक्य में एगो आ गया तो आपको रूम नंबर 5 में जाना पड़ेगा, और रूम नंबर 5 क्या कहता है, कौन रहता है वहां पर, V2। अब आपका आंसर आपको मिल गया, आपको जो चाहता था वो मिल गया, पहले में सेट आएगा, दूसरे में टुक आएगा, सेट की तीनों फॉर्म एक जैसी होती है, सेटेड जैसा कोई वर्ड होता नहीं है, सेट सेट सेट, टेक की पहली फॉर्म टेक, दूसरी टुक, तीसरी टेकन, ये थोड़ी रंग बदलती है, इंपॉर्टेंट कर लेना। तो पहले में सेट आएगा, दूसरे में टुक आएगा, पहले में सेट, दूसरे में टुक, एगो के कारण, एगो के कारण पहले में सेट आएगा, दूसरे में टुक आएगा। एगो यहाँ पर कीवर्ड है, एगो यहाँ पर हमारा आंसर देने की कैपेसिटी रखता है, उसी से बात करें, फालतू बात क्यों करें, ए इज द राइट आंसर। फिर आ गया ये, आई परजर्ड इन कोर्ट सिंस ही एंटाइज मी ऑफ कमोनियस लैंड, परजर, चलो कोर्ट में चल के आते हैं थोड़ी देर के लिए, कोर्ट में चल के आते हैं थोड़ी देर के लिए, परजर, परजर का मतलब होगा झूठी गवाही देना, झूठी गवाही देने को कहते हैं परजर। एंटाइस का मतलब आपको बता दिया था, फिर बता रहे हैं, एंटाइस के साथ प्रपोजिशन हमेशा ऑफ आएगा, किसी को लालच देना, जैसे अपने बच्चे को लैपटॉप का लालच दिया था कि 10th में मेरिट लेकर आ, लैपटॉप देंगे, मोबाइल देंगे, आईफोन देंगे, एक्टिवा दिलवाएंगे, एंटाइस। कॉमोडियस फील्ड, लंबा चौड़ा खेत, 2 बीघा का खेत दे देंगे, कॉमोडियस फील्ड का मतलब है लंबा चौड़ा खेत, दो तुम सॉरी कोर्ट में झूठी गवाही दे दो, परजर हमारे लॉ का वर्ड है, परजर झूठी गवाही देना, दे दो। एंटाइस के साथ प्रपोजिशन ऑफ आएगा, लालच देना, कमोडियस के साथ जो है फील्ड के साथ आएगा, लंबा चौड़ा खेत कमोडियस फील्ड कहलाएगा, परजर झूठी गवाही देना, एंटाइस के साथ प्रपोजिशन ऑफ आएगा, लालच देना, कमोडियस फील्ड, लंबा चौड़ा खेत। आते हैं आंसर पर, भाई आंसर क्या चाहता है, तो सिंस की कहानी पर आ जाओ, सिंस ने कल ही आपको आंसर दे दिया था, क्या कहा था आपको कि सिंस के इधर वाला वाक्य वर्ब की सेकंड फॉर्म में होगा, इधर वाला वाक्य हैज हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म में होगा, इधर वाला प्रेजेंट परफेक्ट होगा, इधर वाला पास्ट इंडेफिनिट होगा, बीच में सिंस होगा, कल वाली कहानी। लेकिन आज मैंने क्वेश्चन का मोड बदल दिया, आज क्वेश्चन का मोड बदल दिया, कल मैंने आपसे सिंस पूछा था, आज मैं आपसे टेंस पूछ रहा हूं, कल मैंने आपसे सिंस पूछा था, आज कौन सा टेंस चाहिए भाई को, भाई को लेफ्ट वाला टेंस चाहिए, आई हैव आएगा ये आंसर, आई हैव परजर्ड इन कोर्ट, हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो क्या कहना है देखिए, आई हैव परजर्ड इन कोर्ट सिंस ही एंटाइज मी ऑफ कॉमोडियस फील्ड,
मैंने झूठी गवाही दे दी है, मैंने झूठी गवाही दे दी है, जब से उसने जो है मुझे एक लंबी चोरी जमीन का लालच दिया था, जब से मुझे उसने लंबी चोरी जमीन का लालच दिया था तभी से मैंने झूठी गवाही दे दी है। तो सिंस के साथ एक सेंटेंस जो हैव आएगा तो दूसरा सेंटेंस वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। और लास्ट क्वेश्चन आज हमारा, योर थिस्क मदर वर्शिपिंग इन एन एडिफिस टेम्पल सिंस मॉर्निंग, थिस्क आस्तिक, भगवान को मानने वाला इंसान थिस्ट कहलाता, भगवान को मानने वाला इंसान आस्तिक थिस्ट कहलाता है, नास्तिक को एथिस्ट बोलेंगे। नास्तिक जो आदमी होगा जो भगवान को रिलाई नहीं करता, बिलीव नहीं करता, वो एथिस्ट कहलाएगा। एडिफिस टेम्पल में चलिए, एडिफिस टेम्पल में चलिए, भव्य मंदिर, भव्य मंदिर को कहा जाएगा एडिफिस टेम्पल। बहुत शानदार मंदिर है, जैसे अभी अयोध्या वाला बना है ये एडिफिस टेम्पल है। हो सकता है इस पर भी कोई ऐसे लिखवा दे, कुछ भी लिखा सकता है, उसकी मर्जी है, लेकिन वाक्य वही घूमती है। थिस्ट का मतलब आस्तिक, एथिस्ट का मतलब नास्तिक, एडिफिस का मतलब भव्य, शानदार, गजब का, मैक्सिमम मंदिर के साथ ही आता है, मैक्सिमम मंदिर के साथ ही आता है। आइए इसकी ओरिजिनल कहानी पर, ओरिजिनल गाड़ी में आंसर देने के लिए आपको सिंस लाना पड़ेगा, आपको क्या लाना पड़ेगा, सिंस देखना पड़ेगा। तो सिंस कहता है कि मेरा आंसर या तो रूम नंबर 4 से आए, या रूम नंबर 8 से आए, या रूम नंबर 12 से आए, इन तीनों में से कोई एक आंसर आएगा। या तो मेरे आंसर में हैज हैव बीन प्लस बी 4 होना चाहिए, या मेरे आंसर में हैड बीन प्लस वी 4 होना चाहिए, या मेरे आंसर में विल हैव बीन प्लस वी 4 होना चाहिए। देख लेते हैं तीनों में से कौन सा है, चारों में से। यहाँ पर दो तो है ही नहीं, यहाँ पर जो है सॉरी विल हैव बीन भी हैव बीन भी है, हैड बीन भी है, शुड हैव बीन भी है। तो सिंस में आपका जो आंसर है वो हैव बीन भी हो सकता है, विल हैव बीन भी हो सकता है, हैड बीन भी हो सकता है, कोई सा एक आंसर ठीक है, घबराना नहीं है, लेकिन एक आंसर दे दीजिए, हैव बीन इज द राइट आंसर, Have been is the right answer, have been worshipping। यहाँ पर मैंने आपको थोड़ा सा घुमाने की कोशिश की है कि आपका दिमाग क्या काम कर सकता है। तो इसका आंसर ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, सी भी हो सकता है। क्वेश्चन में जितनी पजलिंग होती है उतना मजा आ सकता है, शुड हैव नहीं हो सकता, क्योंकि शुड हैव और सिंस का कोई लेना देना नहीं है। हमने यहाँ पर आंसर ए दिया क्योंकि आंसर तो देना ही है, इसलिए हमने चार को ही सबसे पहले उठा लिया क्योंकि उसी का नंबर सबसे पहले आता है। तो कई बार क्या होता है, क्वेश्चन आपको बहुत अच्छा घुमाने की कोशिश करता है, लेकिन हमें क्वेश्चन को घुमाना है, हमें आंसर को घुमाना है, कभी क्वेश्चन से घूमना नहीं है। तो ये आंसर दीजिए और आगे बढ़िए। क्लियर आज का पेपर, थ्रो आउट क्लियर। और अब चलते हैं अगले मेहमान से मिलने के लिए, बहुत अच्छा मेहमान है, ग्रामर का एक डायमंड मॉडल डिस्कस करने जा रहे हैं। वो मेहमान आपसे क्या चाहता है देख लीजिए आप, यहाँ की थ्योरी यही क्लियर करनी है, घर के लिए कुछ नहीं ले जाना है, सिर्फ एग्जाम में मिलना है हमें, यानी घर पे रोटेशन नहीं लेना है। क्यों? क्योंकि पढ़ने के लिए बहुत कुछ है आपके पास, और इस मैटर से पढ़ेंगे तो जरूरत भी कहाँ है। आज का जो हमारा मॉडल है वो बहुत अच्छा मॉडल है, मॉडल का इस मॉडल का नाम है मे। ये बहुत काम आता है, बहुत ज्यादा काम में आता है, देखते हैं क्या क्या काम में आता है। पहला जो मे का यूज होता है वो गहरी संभावना दिखाने के लिए, गहरी संभावना दिखाने के लिए मे का यूज करेंगे। जैसे आपने बहुत अच्छी तैयारी की तो यू मे पास योर एग्जाम, दिखाने के लिए मे का यूज करते हैं। इस गहरी को अंडरलाइन कर लेना, एक हल्की गहरी आएगा, एक गहरी आएगा, एक बहुत गहरी आएगा, तीन तरीके से डिस्कस करेंगे। आज सिर्फ गहरी संभावना के लिए आप इसका उपयोग कर सकते हैं, आप इसका प्रयोग करेंगे गहरी संभावना दिखाने के लिए। गहरी संभावना के लिए जो मॉडल यूज आता है वो है मे। इसका दूसरा यूज सॉरी इसका एग्जाम्पल लिखिए, इट मे रेन, इट मे रेन कैट्स एंड डॉग्स, आज मूसलाधार बारिश हो सकती है, कैट्स एंड डॉग्स ड्यू टू डार्क क्लाउड्स, काले बादलों के कारण, बादल ही काले कर दिए तो संभावना गहरी कर दी आपने, काले बादलों के कारण आज जो है मूसलाधार बारिश हो सकती है, गहरी संभावना है मूसलाधार बारिश हो सकती है। आपने एग्जाम को बहुत अच्छी तैयारी की है, आप कह सकते हैं सर आई मे पास द एग्जामिनेशन,
आज आपके घर पे आपके अंकल जी आने वाले हैं, ही मे कम टू आवर हाउस, संभावना गहरी है, हल्की भी नहीं है, बहुत गहरी भी नहीं है, उनमें कुछ और घूमेगा। दूसरा यूज मे का, परमिशन लेने के लिए, परमिशन लेने के लिए, जिसमें बनेगा भाव होगा लेने के लिए। मे का दूसरा यूज परमिशन लेने के लिए, पोलाइट रिक्वेस्ट करेंगे आप, अपने से सीनियर से रिक्वेस्ट करेंगे आप, इसमें सीनियर का भाव आता है। इसीलिए इंटरव्यू में अपन जब बोलते हैं सर मे आई कम इन, सर मे आई सिट, क्या मैं बैठ सकता हूँ, परमिशन लेने के लिए मे का प्रयोग करेंगे। एक एसएचओ एसपी से पूछता है, क्या पूछता है, एसएचओ एसपी से पूछता है सर मे आई लुक इनटू, फ्रेजल वर्ब भी दे रहा हूं आपको। मैं एग्जाम के पेपर को चारों दिशाओं से घुमाता हूँ, गोरिल्ला युद्ध से एग्जाम की तैयारी करो। और ये मे पढ़ रहे हैं तो क्या फ्रेजल वर्ब पढ़ने का पाप लगता थोड़ी है, नहीं लगता, लेकिन घुमाना आना चाहिए। सर मे आई लुक इनटू दिस कोल्ड ब्लडेड मर्डर, कोल्ड ब्लडेड मर्डर। एसएचओ ने एसपी से पूछा, एसएचओ ने अपने सीनियर ऑफिसर से पूछा, वो कैन और कुड में नहीं पूछेगा, कैन और कुड में नहीं पूछेगा, क्योंकि उसका सीनियर है वो। सर क्या मैं इसमें इस कोल्ड ब्लडेड मर्डर की जांच कर सकता हूँ, या आप मुझे परमिशन दे सकते हैं, दे आई परमिशन, या मे वो परमिशन ले रहा है उससे, क्योंकि सर आ गया, वो सीनियर है। लुक इनटू का मतलब जांच करना, लुक इनटू का मतलब जांच करना, फ्रेजल वर्ब आ गई। कोल्ड ब्लडेड मर्डर, सोची समझी गई हत्या, कोल्ड ब्लडेड मर्डर, सोची समझी गई हत्या। मॉडल के साथ आपने फ्रेज भी कर ली, मॉडल के साथ आपने फ्रेजल वर्ब भी कर ली, जो आपके पूरे पेपर के पार्ट हैं। लोग फ्रेजल वर्ब को अलग पढ़ते हैं, फ्रेजेस को अलग याद करते हैं, मॉडल को अलग याद करते हैं। अरे ये कौन सा तरीका है वही पढ़ने का, एक ही वे में लेके आओ, जो पढ़ने का मजा आए, सेंटेंस बनाना आए, आपको आंसर देना आए। नहीं, आज तो हम फ्रेजल वर्ब भी याद करेंगे, 10 10 क्यों 100 याद करो, एक याद नहीं रहेगी, एक सिंगल भी। तो मे का परमिशन लेने के लिए किया आपने, मे का परमिशन देने के लिए किया आपने, और मे क्या चाहता है आपसे, मे परमिशन देने के लिए भी आता है। अब यही एसपी एसएचओ को क्या कहेगा देख लेते हैं। मे का जो अगला यूज है परमिशन देने के लिए, परमिशन देने के लिए इसका प्रयोग होते हैं। तो एसपी एसएचओ को कहता है, एसपी एसएचओ को क्या कहता है वो देख लीजिए। यू में, यस यू में, यू में शिफ्ट, मैं वर्ड को चेंज कर रहा हूं, शिफ्ट दिस, यू में शिफ्ट दिस हेनस ऑफेंस, हेनस मर्डर, मर्डर कर दो, हेनस मर्डर। कैसे, पूरी ईमानदारी से करना, भाई रिश्वत मत ले लेना, विथ ब्रिमफुल इंटीग्रिटी, ब्रिमफुल इंटीग्रिटी। एसएचओ ने एसपी से पूछा मे के जरिए, एसपी ने एसएचओ को कहा मे के जरिए। ईमानदारी से कर, हत्या कर दी, इसका थोड़ा ढंग से जांच करना भाई, शिफ्ट यानी जांच करना। इन्वेस्टिगेट की ग्रामर क्या कहती है, इंटू नहीं आएगा, इन्वेस्टिगेट के साथ कभी भी इंटू का प्रयोग नहीं होगा, इन्वेस्टिगेट इंटू नहीं आएगा। लुक के साथ इंटू आएगा, क्योंकि फ्रेजल वर्ब है, लुक के साथ इंटू आएगा क्योंकि फ्रेजल वर्ब है। आइए मे का पूरा पोस्टमार्टम कर दिया अपन ने, गहरी संभावना मे के लिए, परमिशन लेने के लिए मे का प्रयोग होगा, परमिशन देने के लिए, यस यू मे कम इन। मैम मे आई गो टू ड्रिंक वॉटर, जैसे बचपन में पूछा, यस यू मे गो टू ड्रिंक वॉटर। परमिशन देना है तो भी मे में, जिसका हिंदी मतलब होगा सकता। मे का तीनों जगह जो मतलब आएगा वो है सकता, लेकिन संभावना के लिए, कैन में भी सकता आएगा, लेकिन वो एबिलिटी के लिए, ये मे अलग है, वो मे अलग है, इसका हिंदी मतलब होगा सकता। क्या मैं इस मर्डर की जांच कर सकता हूं, क्या मैं अंदर आ सकता हूं, क्या आज जो सॉरी
आज अंकल जी घर पे आ सकते हैं, संभावना है। आज शाम तक मैं 200 सेक्शन को तैयार कर सकता हूँ, आपकी संभावना बहुत गहरी है, क्योंकि आप फर्म डिटर्मिनेशन के साथ बैठे हैं तो आप वैसे ही बैठेंगे। इसका एक बड़ा भाई है, एक छोटा भाई है, इसका छोटा भाई भी है एक, इसका एक बड़ा भाई भी है। इन तीनों में डिफरेंस करेंगे, जब वो दो डिस्कस कर लेंगे तो इनको डिफरेंस करेंगे। आज हमारी पूरी कृपा, आज ग्रामर की पूरी कृपा पेपर है। मैं गहरी संभावना दिखाने के लिए होगा, छोटा भाई हल्की संभावना दिखाएगा, बड़ा भाई इससे भी गहरी संभावना दिखाएगा। मे का प्रयोग परमिशन लेने के लिए किया जाता है, मे का प्रयोग परमिशन देने के लिए किया जाता है। सर मे आई कम इन, यू मे कम इन। सर मे आई यूज योर मोबाइल, क्या मैं आपका मोबाइल यूज कर सकता हूँ? यस यू मे यूज माई मोबाइल, यू मे यूज माई मोबाइल, आप मेरा, मैंने आपको परमिशन दी, जिस पोलाइट वे में आपने मुझसे रिक्वेस्ट की थी उसी पोलाइट वे में मैंने आपको परमिशन दे दी। यस यू मे यूज योर मोबाइल। बचपन में सिखा तो दिया कि जब किसी क्लास में जाते हैं तो ऐसे बोलते हैं, लेकिन आज तक बाय द टाइम जब तक मैंने अंग्रेजी को समझा तब तक किसी ने ये नहीं समझाया ये मे क्यों बोलते हैं, कैन क्यों नहीं बोलते, कुड क्यों नहीं बोलते। ये सीधी सी बात है, यहाँ पर आप कुड से यूज करोगे तो बराबर वालों से परमिशन मांगोगे, और अपने से छोटे से परमिशन ले रहे हो तो कैन का यूज करोगे। सपोज कोई हमारा पियोन है और उसका मोबाइल अभी यूज करना है तो हम क्या यूज करेंगे? कैन आई यूज योर मोबाइल। और आपस में आप यूज करोगे, आप बैचमेट हैं, आप फ्रेंड्स हैं, आप एक ही कैटेगरी में हैं, आपस में आपको यूज करना हो तो आप कुड का भी यूज कर सकते हैं, कुड आई यूज योर मोबाइल। लेकिन सर से, मुझसे कोई भी आप परमिशन मांगेंगे तो आपको मे का यूज करना पड़ेगा, क्योंकि मे में अपने आप ही आपका सेंस आ जाता है, मे में अपने आप ही आपका सेंस आ जाएगा। कुड में बराबर वालों से यूज होता है, तुम और कैन भी यदि बात करूं इस वे में, यदि मैं अंतर करूं तो तुम का सेंस आता है, यानी वो किसी भी वे में अपने से छोटा है, जूनियर है, पोस्ट में हो सकता है, पद में हो सकता है, उम्र में हो सकता है। तो यहाँ पर मे का रोल सबसे ज्यादा है परमिशन लेने के लिए, वो सबसे ज्यादा किसी को बुलाता है तो मे का यूज होता है। और एक और इसका यूज बहुत शानदार यूज, वैसे तो इनडायरेक्ट में पढ़ना था लेकिन यहाँ पर आ रहा है तो आने दो। यहाँ पर यदि आप किसी को सद्भावना देते हो, इसका चौथा यूज भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको इनडायरेक्ट में दोबारा पढ़ाऊंगा मैं। किसी को आशीर्वाद देते हो, किसी को आशीर्वाद देना है, किसी को यदि आशीर्वाद या अभिशाप देना है, किसी को अभिशाप या आशीर्वाद देना है तो मे के जरिए देंगे। और उस वाक्य के आखिर में, याद रखना, प्रिंट कर लेना, उस वाक्य के आखिर में विस्मयबोधक का साइन आएगा, उस वाक्य के आखिर में एक्सक्लेमेटरी साइन आएगा। इसको इनडायरेक्ट में दोबारा पढ़ना पड़ेगा क्योंकि वहां पर एक रूल बनाता है, विस्मयबोधक का साइन आएगा, उस वाक्य के आखिर में विस्मयबोधक का चिन्ह होगा, एक ऐसा चिन्ह होगा जिससे पता चल जाएगा यहाँ पर मे ही आएगा। हमने किसी के पैर छुए, हमने किसी के पैर छुए तो वो हमको क्या आशीर्वाद देगा, वो हमको क्या आशीर्वाद देगा? मैं आपको आशीर्वाद दूंगा तो क्या दूंगा? मे यू गेट रोरिंग सक्सेस। आपने कहा सर नमस्ते, पेपर देने जा रहे हैं तो मैं आपको जो आशीर्वाद दूंगा मे से दूंगा, मे यू गेट रोरिंग सक्सेस। भगवान करे आपको अभूतपूर्व सफलता मिले। इसको इनडायरेक्ट में दोबारा पढ़ेंगे अलग वे में, कुछ अलग मोटिव है वहां पर। तो मे के चार यूज पढ़े आपने आज, जो एब्सेंट अपना बहुत भारी नुकसान करवा के, बहुत भारी बोल रहा हूं मैं, खैर उनकी मर्जी है। यदि माँ सरस्वती से कोई मजाक करेगा तो उससे बड़ा मजाक का पात्र दुनिया में कोई बन नहीं सकता है। मे यू गेट रोरिंग सक्सेस, यदि आप किसी को आशीर्वाद या अभिशाप दे रहे हो तो आपको मे से जरिए देंगे। भगवान करे तुम्हारा सर्वनाश हो जाए, किसी ने कहा कि तुमने मेरे पैसे लूट लिए फीस के नाम पर, तो भगवान करे तुम्हारा सर्वनाश हो जाए, तुम पूरी तरीके से बर्बाद हो जाओ। वो आपको कह रहा है अभिशाप, वो आपको कह रहा है बद्दुआ, वो भी मैसेज आएगी, मे यू रुइन कंप्लीटली थरोली। भगवान करे संपूर्ण रूप से तुम्हारा सर्वनाश हो जाए, पूर्ण रूप से तुम बर्बाद हो जाओ। कोई हमेशा चीट करता तो ऐसी आवाज आती है, इसमें क्या है रुइन, बर्बाद होना। तो यदि आप किसी को अभिशाप या दुआ दे रहे हैं तो आपको इसी मॉडल की जरूरत पड़ेगी, मे की, जिसका नाम है मे। ये होता है एब्सेंट रहने का कमाल। 400-500 लोगों से पीछे आज जो लोग एब्सेंट हैं, अपने मन में वो 30 मार का समझ लो, बहुत बड़ा तीर मार लिया, मार लो, वो तो वक्त बताएगा, दूध का दूध पानी का पानी 30 जो है जूर करेगा और उसके बाद बेस करेगा।
क्लास में एबसेंट होना सबसे बड़ा गुनाह मानता हूं मैं तो, ये एक क्या बोलते हैं साधना है, और साधना भी एक बिना मतलब, हाँ कोई वजह हो जाए तो अलग मैटर है। तो आइए मैं का एक ग्राफ खींच देते हैं। मैं कहता है मैं चार जगह यूज होता हूं, मैं वर्तमान काल का मॉडल हूं, मेरे साथ V1 आती है, इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, इसके साथ वर्ग की फर्स्ट फॉर्म आएगी, चाहे वो अभिशाप दे चाहे वो आशीर्वाद दे, हमेशा वर्ग की फर्स्ट फॉर्म को यूज करेगा। एक छोटा सा ग्राफ कर लीजिए, आज आपसे मैं मिलने आया, मैं के साथ जब तक ये पैसिव वॉइस में नहीं जाएगा वर्ग की फर्स्ट फॉर्म यूज करेगा। हाँ पैसिव वॉइस हो जाएगी तो मैं भी कर देगा। ये कहता है पहला जो कहता है आशीर्वाद या बद्दुआ देना है तो मैं का यूज करेंगे, आशीर्वाद है या अभिशाप है तो आप बे का यूज करेंगे। बे के लास्ट वाले सेंटेंस में विस्मयबोधक का साइन आएगा, बे गहरी संभावना है, बे गहरी संभावना के लिए यूज करेंगे, गहरी संभावना है तो आप बे का यूज करेंगे। बे के बाद V1 आएगा एक्टिव वॉइस है, तो बे का प्रयोग पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए, बे का प्रयोग पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए बड़ों से किया जाएगा। पोलाइट रिक्वेस्ट यदि कहीं पर आ गई तो बे के साथ V1 आएगा। सर मे आई कम इन, सर मे आई यूज योर मोबाइल, मैम क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ, जान सकता हूँ क्या, मैम सर मे आई नो योर नेम, और किसी को परमिशन देने के लिए आप जो है मे का प्रयोग करेंगे, परमिशन दे रहे हैं और आप भी उसे आदर दे रहे हैं परमिशन देने के लिए, इसीलिए इंटरव्यू में मे का प्रयोग किया जाता है, मे के साथ V1 आएगा। वर्तमान काल का मॉडल है, ये भी याद रखना है, कौन सा भूतकाल का है, वर्तमान काल का मॉडल है ये, मे हो गया, शुड हो गया, कैन हो गया, ये वर्तमान काल के मॉडल हैं, तो मे के साथ V1 आएगा। ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट, मे पे घूट रही कहानी, एबसेंट रह गए तो गए 500 लोगों से पीछे आज की डेट में, वो मेरे से लिखवा लो। यदि एक्टिव वॉइस है तो सब्जेक्ट प्लस मे प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, एक्टिव वॉइस है हमारी, पुलिस आज उसको गिरफ्तार कर सकती है, संभावना है 100% तो वो भी नहीं है। और यदि पैसिव है तो ऑब्जेक्ट प्लस बेबी प्लस V3, पहले कह दिया जहां बी आएगा वर्ग की थर्ड फॉर्म आएगी, बेबी प्लस V3 प्लस बाय सब्जेक्ट, पैसिव वॉइस में जाएगा। एक एक चीज में कमांड होना चाहिए, ये नहीं ये क्या काम आएगा, इसकी क्या जरूरत है, एक अच्छा सा वर्ड, ये तो बहुत टफ है, तो एग्जाम देने की जरूरत ही क्या है, टफ है तो कौन एग्जाम, भारतीय संविधान में थोड़ी लिखा कि संविधान वो एग्जाम दो, एग्जाम का नाम ही टफ है ना, एग्जाम खुद ही टफ है, यदि आसान होता तो हर सेकंड घर से ऑफिसर नहीं निकल जाता क्या, लेकिन उतनी मेहनत करो आसान बना दोगे तो आप पे डिपेंड है ना कि आप टफ चीज को आसान कैसे बनाते हो, वो तो टोटली हमारे ऊपर डिपेंड है। तो आज हम बे प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट की कहानी पढ़ते हैं, कुछ अच्छी वोकैबुलरी अच्छे उसको लेते हुए, बे के चार यूज, यानी आज आपने चार टॉपिक कवर किए इनडायरेक्टली, आज आपने चार टॉपिक याद रहेगा, बे प्लस V1 आशीर्वाद अभिशाप, ये डायरेक्ट में क्वेश्चन बनाएगा, कैसे बनाएगा मैं तो उस समय बात करूंगा। गहरी संभावना बे प्लस V1 आपकी, इसका एक छोटा भाई है एक बड़ा भाई है, बे तो रहता है बीच में, एक यंगर ब्रदर है एक एल्डर ब्रदर है, बाद में बात करेंगे ब्रदर कौन से है। बे का परमिशन लेने के लिए, सर मे आई कम इन, यस यू मे कम इन, सर मे आई यूज योर मोबाइल, यस यू मे यूज योर माई मोबाइल, पोलाइट रिक्वेस्ट करनी है, आपने रिक्वेस्ट की पोलाइट, बे के जरिए मैंने आपको परमिशन दी, बे के जरिए, क्लियर कहानी। आइए कहानी में गेम खेल जाते हैं, बहुत अच्छा, क्या कहते हैं बे का यूज, देखिए संभावना है हमारी 100% तो हम भी नहीं है, नहीं है क्यों, क्योंकि संभावना 80% है। देखिए क्या कहता है पहला सेंटेंस, पहला सेंटेंस क्या कहता है, देखिए आप बनाने की कोशिश करना कि हम खुद फ्रेम करने लगे, क्योंकि अब आप उस रैंक में आ गए हैं, आप उस कमांडो ट्रेनिंग में आ गए जहां पर आप ये कर सकते हैं, यस आई कैन। बेघर लोग, प्राकृतिक आपदा के कारण, भूकंप आ गया साहब, प्राकृतिक आपदा के कारण, यानी भूकंप, नरगिस, आपके तूफान, सूखा, लैंडस्लाइड, ये सब प्राकृतिक आपदाएं हैं जिन पर हमारा कंट्रोल नहीं है। बेघर लोग प्राकृतिक आपदा के कारण शरण के लिए
कोई भी शरण मिल जाए, शरण के लिए मारे मारे फिर सकते हैं, यानी कहीं तो मिल जाए। जैसे अभी धूप में अपन क्या कर रहे हैं, मारे मारे इंसानों को देखो कहीं पर छाया मिल जाए, ये तो लग रहा है। ये तेज गर्मी भी तो प्राकृतिक आपदा ही है ना, जो तेज गर्मी है क्या प्राकृतिक आपदा नहीं है? ये भी तो प्राकृतिक। हम तो ठीक है, घर है, पक्के मकानों में रहते हैं, कूलर एसी सब कुछ है हमारे पास तो, लेकिन उन लोगों की कल्पना करिए जो रोड पर रहते हैं, जिनके माँ बाप मजदूरी करें और बच्चा जो है आराम सो रहा है जस्ट एक पेड़ की छाया में, जस्ट एक पेड़ की छाया में बच्चा सो रहा है, हेलो सो रहा है, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। हाँ ठीक है, छाया तो उसके माँ बाप तलाशेंगे ही, क्योंकि छाया नहीं तलाशेंगे तो बच्चा बेचारा भी पड़ रही है। ये भी क्या है, प्राकृतिक आपदा। मे का यूज करना है, आज किसका यूज करना है, मे का यूज करना है। आइए मे का यूज करवाते हैं आपसे। बेघर लोग, सर क्या आएगा बेघर लोग का, कुछ नहीं छोटा सा वर्ड है, टच में नहीं है बस। रूफलेस पीपल सिलिंग होती है, रूफलेस पीपल में आ गया मे। अब मारे मारे फिरने की फ्रेज आएगी, आपको पता है, इधर से उधर, उधर से इधर, मूव पिलर टू पोस्ट, याद रख लेना, मूव पिलर टू पोस्ट। द रूफलेस पीपल में मूव पिलर टू पोस्ट, पिलर टू पोस्ट भी का यूज किया, हल्की गहरी संभावना है। गर्मी बहुत है तो गर्मी में तो एक मजदूर का बच्चा सोएगा तो बेचारा इसी में तो कहां से, लेकिन पेड़ तो देख ले, कोई दुकान की छाया तो देख ले, कोई बिल्डिंग की छाया तो देख ले, काय के कारण, सॉरी बिलर टू पोस्ट काय के लिए, शरण के लिए, फोर शरण लो, शेल्टर पना आश्रय, शेल्टर शरणागत को शरण देना हमारे यहाँ की अनोखी परंपरा है। टू गिव रेफ्यूज टू रेफ्यूजी इज आवर बिजार प्रैक्टिस, हमारे राजस्थानी कल्चर की परंपरा है। The roofless people may move pillar to post for shelter. काय के कारण, कारण को बुलाओ, due to natural calamities. बड़ा अच्छा वर्ड है, calamities का मतलब प्राकृतिक आपदा, calamities प्राकृतिक आपदाएं, नरगिस हो गया, भूकंप हो गया, तूफान हो गया, हमारा लैंडस्लाइड हो गया, जिस पर मानव का कंट्रोल ना हो वो आपका कहलाएगा नेचुरल कैलामिटीज। इसी से उठा लो, राजस्थानी कल्चर में चलना है, इसी को मैं कनेक्ट करना हूं, कर रहा हूं। शरणागत को शरण देना, शरणागत को शरण देना हमारा अनोखा दस्तूर है। दस्तूर बहुत प्यारा पावर हाउस है इस वर्ड में, अनोखा दस्तूर है, परंपरा इसकी महन है, दस्तूर। प्राण जाए पर वचन न जाए हमारे यहाँ दस्तूर है। कन्यादान करना हमारे यहाँ का दस्तूर है तो है। शरणागत को शरण देना हमारा अनोखा दस्तूर है। शरणागत को शरण देना वाक्य में ना एक्टिव है, ना पैसिव है, ना टेंस है, ना मॉडल्स है, याद रखना। यहाँ से यदि वाक्य शुरू होता है देना खाना पीना सोना उठना पीटना, तो वाक्य 2+V1 से शुरू होता है, इसको कहते हैं इन्फिनिटिव। टू गिव रेफ्यूज टू रेफ्यूजी, टू गिव रेफ्यूज टू रेफ्यूजी इज, ये 2+V1 ग्रामर की लैंग्वेज में इन्फिनिटिव कहलाता है, जिसका हिंदी मतलब होगा ना, जो लिखने वाली ग्रामर में बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाएगा। कैसे निभाएगा वो हमारे एसेज बताएंगे। टू गिव रेफ्यूज टू रेफ्यूजी इज आवर क्या है, अनोखा बिजार BIZARE प्रोनाउंसिएशन बिजार, दस्तूर है, परंपरा नहीं है, दस्तूर। प्रैक्सिस बोलने में कितनी जान पैदा होती है, प्रैक्सिस कहीं लगा देना जो आपकी इच्छा हो, जिस भी ऐसे में आपको जिसे कहते हैं इच्छा हो वहां पर आप यूज कर सकते हैं बिजार प्रैक्सिस। वो नॉलेज लो, दिमाग एकदम सूना पड़ जाए थोड़ी देर के लिए, आ क्या रहा है।
ताप जाता है, सीता गाती है, दिल बहुत खुश होता है, दिमाग बहुत खुश होता है, पेपर नाराज हो जाता है। मजा आ रहा है गर्मी में? अनुज लेट कैसे हो गया आज? कहा था कल कूलर मंगाया था कल, क्या हुआ? नहीं, लिखो लेकिन झेल जाओ, जैसा भी मौसम है, जैसे भी ऑब्स्टेकल है, जैसे भी परेशानियां है, एक बार झेल जाओ, क्योंकि तो आपको वो लिखना है जो किसी ने ना सोचा हो। टू गिव रेफ्यूज टू रेफ्यूजीज और बिजार प्रैक्सेस, रेफ्यूज शरण देना, बोले सर वाक्य में कौन सा टेंस है? टेंस नहीं है, ये कहानी जा रही है इन्फिनिटी के पास। इसीलिए कई बार बोलते हैं टू वॉक इज ए गुड एक्सरसाइज, पैदल चलना एक अच्छी एक्सरसाइज है। टू गिव रेफ्यूज टू रेफ्यूजी इज आवर बिजार प्रैक्सिस। क्लियर क्लियर? चलें, हाथी दांत के लिए विशाल हाथी होगा, भाले से घने जंगल में शिकार हो सकता है। कोशिश करना बनाने की क्वेश्चन देके जा रहा है हाथी दांत के लिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन, देखे कौन बनाएगा। हाथी दांत के लिए वीरप्पन को याद कर लो, वीरप्पन वाली फिल्म देख लेना एक बार। हाथी दांत के लिए घने जंगल में, हाथी रात के लिए घने जंगल में भाले से भाला उड़ाएंगे विशाल हाथियों का। बड़े हाथी तो विशाल ही होते हैं, लेकिन अपन को तो जरूरी है वॉकअप बनानी है। विशाल हाथियों का शिकार हो सकता है। बहुत अच्छे से सेंटेंस बनो, घबराना नहीं है। क्या इस पूरे वाक्य में कई बार आपको कर्ता नजर आ रहा है? क्या कर्ता नहीं है? कर्ता बताओ कौन सा है? हाँ, जिसका शिकार होगा वो पता है। शिकार कौन करेगा पता है क्या? नहीं है। शिकार किसका होगा वो पता है? पता है। उठाओ इसी को, विशाल हाथियों को खत्म करो ना कहानी, इसी को उठा लो आप। विशाल हाथियों को उठाओ, लार्ज में, साइज में, बहुत बड़ा, द इनॉर्मस, पहली बार ला रहा हूं आज, इनॉर्मस एलिफेंट्स, पैसिव वॉइस में हो आप, बेबी आएगा, बेबी। अब फिर कहानी अटक गई, फिर कहानी रुकेगी। यहां पर शिकार करने के लिए क्या वर्ड यूज करें? शिकार करना है तो बोले सर हंट को यूज कर दो ना। हंट होता है किसी के मांस के लिए शिकार करना, और किसी की खाल के लिए या किसी की अदर पर्पज के लिए शिकार करना पोच कहलाता है। वैसे एक एग्जाम ने पोच को क्वेश्चन बनाया था और हंट को आंसर बनाया था, बना सकता है वो। इसीलिए जो वीरप्पन था ना वो पोचर था। आप वीरप्पन के बारे में कभी भी पढ़ोगे तो हंटर वर्ड नहीं आता, उसके साथ पोचर वर्ड यूज होता है। आप वीरप्पन फिल्म देखोगे या वीरप्पन की कहानी को पढ़ोगे तो पोचर वर्ड मिलेगा, आपको हंट नहीं मिलेगा। हाँ, किसी के मांस के लिए शिकार करना वो हंटर कहलाता है, जैसे पुराने शिकारी हुआ करते थे वो हंटर कहलाता है। अदर कोई पर्पज है तो वो पोचर कहलाता है। तो आपने कहा द इनॉर्मस एलिमेंट्स बेबी, करो शिकार, पोस्ट। पोस्ट खाने के लिए, वेरी गुड। फोर एलिफेंट, इतना ही बोलेंगे? आप सोच एलिफेंट इतने से काम चल जाएगा? नो, या तो बोलेंगे उसको आइवरी या बोलेंगे टस्क, या तो बोलेंगे आइवरी या बोलेंगे टस्क। आइवरी को इंपोर्टेंट कर लो, आइवरी को इंपोर्टेंट कर लो, अभी से गेम खेल जाते हैं। कहाँ करना है भाई? घने जंगल में, चलो घने जंगल में, इन डेंस फॉरेस्ट, इन डेंस फॉरेस्ट। काई काई से करना है? भारी इंस्ट्रूमेंट से पहले प्रपोजिशन क्या आएगा? इंस्ट्रूमेंट से पहले, काफी बार यूज कर सकते हैं कोई उपकरण, औजार से पहले प्रपोजिशन विथ आएगा, विथ ए स्पीयर। डेंस का मतलब घना, डेंस का अपोजिट पूछेगा एग्जाम, छिद्दा छिद्दा, दूर दूर, स्पार्स, स्पार्स का मतलब विरल, डेंस का मतलब घना। स्पार्स का मतलब दूर दूर, बाल हो सकते, पूछेगा। आप बेबी में ले गए, किसमें ले गए? आप बेबी में ले गए। डाइनोरमस एलिफेंट्स बेबी पोस्ट फॉर आइवरी ऑफ टास्क, इट डेंस फॉरेस्ट, डेंस का मतलब घना, पास पास, बहुत ही ज्यादा सघन, जैसे जंगल में पेड़ होते हैं। इंस्ट्रूमेंट से पहले प्रपोजिशन क्या आएगा? विथ आएगा। इंस्ट्रूमेंट से पहले प्रपोजिशन विथ आएगा।
कोई भी गोजार है उपकरण है, जब मैं डस्टर से मिटा रहा हूँ तो आई एम इरेजिंग विथ ए डस्टर आएगा। तो आपने कहा पोस्ट शिकार करना, मैंने कहा वेरी को इम्पोर्टेंट कर लेना क्योंकि ये आपको एक बहुत अच्छी फ्रेज रही। आजकल के ज्यादातर युवा लिव इन आइवरी टावर। आजकल के ज्यादातर युवा सपनों की दुनिया में रहते हैं। सपनों की दुनिया में रहना, नेट टू मार्केटिंग करेंगे, फिर अगले महीने दो दो लाख का चेक आएगा, उसके अगले महीने ओडी आएगी, उसके अगले महीने मर्सिडीज आएगी। ऐसे मर्सिडीज और ओडी आती बिना बिना भाए तो हर इंसान करोड़पति होता। तो लीव इन आइवरी टावर सपनों की दुनिया कहलाती है, ख्याली दुनिया कहलाती है लीव इन आइवरी टावर। तो आपने फ्रेंड्स यहाँ पर बेबी का यूज किया जो पैसिव वॉइस बनाने में बहुत सक्षम है। आपकी गहरी संभावना हो तो बेबी का यूज करेंगे। डायनोर्मस एलिफेंट्स मे बी पोस्ट फॉर आइवरी ऑब्लिक टस्क इन डेंस फॉरेस्ट विद ए स्पीयर। एग्जाम आपको डेंस का अपोजिट पूछेगा। डेंस का मतलब घना घना, बाल हो सकते हैं, पेड़ हो सकते हैं, मकान हो सकते हैं। जैसे हमारे शहर में जो मकान है वो डेंस हैं, गांव में मकान स्पार्स हैं, बिहारी में तो बिल्कुल ही स्पार्स होते हैं। एक मकान यहाँ, फिर दूसरा 500 मीटर पर, तीसरा 200 मीटर पर है। तो शहर में मकान स्पार्स होगा, सॉरी ढाणी में मकान स्पार्स होगा, शहर में डेंस होगा। हाथी दांत के लिए हो सकता है, करने वाले का दूर दूर तक पता नहीं। इसलिए हमने बे की पैसिव बनाई, बेबी को यूज कर दिया थर्ड फॉर्म के साथ। और आज बे के चार रूल को समझ गई। किसी से पोलाइट परमिशन लेनी हो तो मे आएगा, सर मैं अंदर आ सकता हूँ, मे आई कम इन, ये मैंने आपको परमिशन दी पोलाइट, यस यू मे कम इन, आप अंदर आ सकते हैं, आप बैठ सकते हैं, आप नोट लिख सकते हैं, कुछ भी मे भी यूज कर दिया। किसी को आशीर्वाद देना है या किसी को कर्ज देना है तो मे के जरिए देंगे। हमने किसी के पैर छुए और आपने कहा भगवान करे तुम्हारी दीर्घायु हो, तो अगला बोलेगा मे यू लिव लॉन्ग, भगवान तुमको दीर्घायु प्रदान करे, मे गॉड गिव यू लॉन्ग लाइफ। गॉड को भी यूज कर सकता है वो, गॉड नहीं होगा तो भी मे आएगा, गॉड होगा तो भी मे आएगा। ये डायरेक्ट में क्वेश्चन बनाएगा कैसे, वो डायरेक्ट में बात करेंगे। और मे का जो तीसरा यूज है गहरी संभावना है, आप बहुत अच्छी तैयारी कर रहे हैं तो आप बोलेंगे सर आई मे पास, मैं इस बार पास हो सकता हूँ, हो जाऊंगा नहीं हो जाऊंगा तो गारंटी आ गई ना, आपकी तैयारी बहुत अच्छी है तो आप मे में पास होंगे, आप मे में पास हो सकते हैं। कोई आदमी मर्सिडीज से उतरा है तो वो बोलेगा यार ये अरबपति हो सकता है, मे में ले गए अपन, अरबपति हो सकता है, मे भी हो सकता है, ड्राइवर भी हो, लेकिन अपनी तो संभावना उसको करोड़पति मानेगी, मर्सिडीज से उतरा कोई फकीर थोड़ी होगा। तो मे का यूज क्लियर, आज का सेशन थ्रू आउट सेशन क्लियर। जैसा भी माहौल है जो भी स्ट्रगल झेल जाओ, क्योंकि झेल जाने में